कॉस्मिक बाइट की तरफ से कभी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, मेरा कमेंट सेक्शन तो ऐसे भर देते हो तुम, मतलब आर्टेमिस का रिव्यू, एरिस का रिव्यू और पता नहीं क्या क्या लॉन्च हुआ है, सब आएगा चैनल पे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉस्मिक बाइट आर्टेमिस छोटा सा कीबोर्ड, छुटको सा कीबोर्ड आपके लिए लिया है आज। और ये छोटे वाले कीबोर्ड वही लोग यूज करते हैं ज्यादातर जो ई स्पोर्ट्स में ज्यादा रहते हैं या फिर क्लीन डेस्क मैनेजमेंट करनी होती है, जिनको उनके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। तो बातें हो गई बहुत, अब खोल लेते हैं डब्बा और देखते क्या है। कीबोर्ड ऑब्वियसली छोटा सा कीबोर्ड, छोटा सा डब्बा, आर्टेमिस मॉडल है इसका। सारी इन्फॉर्मेशन डब्बे में दिखा देंगे, तो वीडियो में क्या कवर करेंगे, हम सीधा कीबोर्ड दिखाएंगे। एक इसके अंदर से मिलेगी टाइप सी टू टाइप ए केबल, और ये पीवीसी वाली केबल है, ब्रेडेड नहीं है, बट केबल की क्वालिटी आप देख लो काफी अच्छी खासी मोटी केबल है। और केबल की लेंथ 1.7 मीटर लॉन्ग है, तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये निकल गया हमारा कीबोर्ड, वाओ क्यूटनेस, वेरी क्यूट बेबी, लुक एट दिस यार, लुक एट दिस, इतना बढ़िया लग रहा ना, प्यारा सा एकदम। अगर ये वायरलेस होता तो भाई फील ही आ जाती। हम बात करेंगे कॉस्मिक बाइट वालों से कि ऐसा ही एक वायरलेस कीबोर्ड भी निकाल लें, तो तारों का झंझट एकदम फिनेस। आते हैं और ब्रांड्स में आते हैं, हो सकता है कॉस्मिक बाइट का भी आता हो, हमने ना देखा हो। और एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी, और वीडियो में फंक्शन कीज वगैरह नहीं बताने वाला, तो सारी चीज आपकी यूजर मैनुअल में मेंशनड है। मैं आपको आरजीबी इफेक्ट्स वगैरह तो दिखा दूंगा, बट किस बटन से क्या होना है वो आप देख लेना, वो बेफालतू का टाइम कंज्यूमिंग है। तो भाई ये इतना सा कुछ आपका कीबोर्ड मिलेगा, और कितनी प्यारी लुक है आप यहाँ पे देख सकते हो। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर आपको बताऊं तो बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे पीछे एक ऑन ऑफ का बटन दिया है, ये आपके आरजीबी ऑन ऑफ के लिए, ऑन द गो ऑफ कर सकते हो। और नीचे रबर ग्रिप्स मिल जाएंगे, और आप नोटिस कर रहे होंगे एलिवेशन के कोई क्लिप्स नहीं है, बट इसका जो डिजाइन है वो ही एलिवेटेड है, ऐसे एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इसको यूज करने में। और यहाँ पे टाइप सी इनपुट है जहां पे इसकी केबल लगेगी, और ज्यादा खास है नहीं कीबोर्ड के अंदर कुछ बताने के लिए आउटर्स में। और हाँ, जो इसका वेट है वो 560 ग्राम्स अप्रॉक्स है, तो भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और हाँ, एक सवाल मेरे से बहुत बार पूछा गया है कि ये छोटे कीबोर्ड महंगे क्यों होते हैं जबकि बटन कम हो गए हैं। एक्चुअली मेरी कॉस्मिक बाइट वालों से बात भी हुई थी इस बारे में, तो वो कह रहे थे कि कीबोर्ड के अंदर जो आईसी लगती है ना, जो मेन चिप होती है बेसिकली, जो कीबोर्ड जिससे वर्क करता है, तो उस चिप से मैटर करता है कि कीबोर्ड महंगा होगा या सस्ता, साइज मैटर नहीं करता कीबोर्ड का। बड़ा कीबोर्ड हो तब भी वो सस्ता हो सकता है ड्यू टू दैट चिप, और छोटा कीबोर्ड भी महंगा हो सकता है, तो मतलब वाइस वर्सा, तुम समझ गए होंगे। तो मतलब ओवरऑल अच्छी चिप लगाई गई है, 2300 का कीबोर्ड है ये। इसके की फीचर्स आपको बताता हूँ, ऑल की एंटी घोस्टिंग आपको मिलेगी, जैसे ये गेमिंग कीबोर्ड है तो एंटी घोस्टिंग होनी तो बनती थी, लेकिन इसके अंदर ऑल की वाली है, सारी कीज एक साथ भी दब जाएंगी तो कीबोर्ड फेलियर नहीं होगा आपका। और गेमिंग कीबोर्ड है, विंडोज लॉक की का फीचर आपको मिल जाएगा, FN प्लस विंडोज लॉक की आप दबाओगे तो विंडोज की वर्क नहीं करेगी गेमिंग के टाइम पे, मतलब होता ना वो WSD दोबारा कॉ विंडो की दब जाए, गेम मिनिमाइज हो जाए, गुस्सा चढ़ जाए, तो नुकसान हो सकते हैं, नुकसान बचाने वाला फीचर। अब जैसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसके अंदर आपको ब्लू स्विचेस मिलते हैं ओटेमियो ब्रांड की तरफ से, जितने भी 3 या 4 हजार से नीचे वाले कीबोर्ड होते हैं सबके अंदर आपको ओटेमियो ब्लू स्विचेस ही मिलेंगे, और मतलब बजट रेंज में अच्छे स्विचेस होते हैं ये। और स्विचेस की बात चल रही है, मैकेनिकल कीबोर्ड की बात चल रही है, कह रहे भाई साहब आवाज सुनवा दो, सुनवा देते हैं। ये तो होगी कीबोर्ड की ऊपर ऊपर की बातचीत, अब बात आती है आरजीबी इफेक्ट्स की। आरजीबी इफेक्ट्स इसके अंदर पर की आरजीबी आपको मिलती है, जो आप इसके सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज कर सकते हो। तो पहले आपको आरजीबी प्रीसेट्स दिखा देता हूं, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर दिखा दूंगा कि कैसे पर की आरजीबी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया अंधेरा, कीबोर्ड कर लिया कनेक्ट, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मल वाला इफेक्ट चल रहा है। अब एक एक करके इफेक्ट में चेंज करूंगा, आप सब पे नजर मार लो। तो ये थे इसके कुछ इफेक्ट्स जो इसके अंदर प्रीबिल्ट हैं। अब आपको लेके चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो जब आप इसका सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले की वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे, यहाँ आप इसमें गेमिंग मोड ऑन कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कीज पे कोई भी एक्शन असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड आ रहा है, अभी हम यहाँ पे W सेट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा W ब्लू कलर का हो चुका है, और यहाँ पे हम जाएंगे मीडिया के अंदर, और मीडिया में हमारे को काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, माई कंप्यूटर, मेल, मीडिया सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैं जैसे कि कैलकुलेटर सेलेक्ट कर देता हूँ W पे, और यहाँ पे हमको टिक पे क्लिक करना है और नीचे ऑल सेव दबा देना है।
तो जैसे मैं W पे क्लिक करूंगा, कैलकुलेटर आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ओपन हो चुका है। तो ऐसे आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीज यहाँ पे कीबोर्ड पे असाइन कर सकते हो, मतलब कस्टमाइजेशन पूरी है। और सेकंड टैब में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मैक्रो टैब मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैक्रो का नाम हम क्यूवर्टी सेट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको क्यूवर्टी को सेट करने के लिए यहाँ पे प्रेस एनी की दबाएंगे। यहाँ पे जैसे पहले हमने क्यू दबा दिया, इसको एड ऑन कर दिया, उसके बाद हमने W दबाया एड ऑन कर दिया, उसके बाद हमने E दबाया एड ऑन कर दिया, तो ये हमारा ऐड हो गया। नीचे सेव दबा देना आपको, उसके बाद आप कीज में जाओगे और आपको QWERTY का पूरा कमांड किसी एक डेडिकेटेड की पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे की पे आए, हमने मैक्रो को सेलेक्ट किया, तो यहाँ हमने X पे मैक्रो को सेट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे एक्स क्लिक करते हैं तो मेरा वही वाला कमांड आ गया है। मैंने उल्टा दे दिया था गलती से, बट एक ट्यूटोरियल था, आप इसे समझ जाओगे मतलब मैक्रो एक्चुअल चीज क्या है। तो जितनी बार मैं एक्स दबाऊंगा मेरा वही कमांड जाएगा। तो ये गेमिंग में काफी ज्यादा काम आता है और शॉर्टकट्स बनाने में काफी ज्यादा काम आ जाता है। उसके बाद मेन आता है हमारा कलर्स। हम यहाँ पे कलर्स अपने पूरे सेटअप कर सकते हैं कीबोर्ड के। सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट्स आ जाते हैं, ये वही वाले सारे इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, जैसे कि ब्रीदिंग इफेक्ट हो गया, गेटिंग ऑफ इफेक्ट हो गया, ऐसे करते करते जैसे नियॉन इफेक्ट हो गया, तो ये सारे वही वाले इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे हम नीचे चेक दबा देंगे तो वही इफेक्ट्स हमारे कीबोर्ड पे अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा पेंटिंग। पेंटिंग में क्या होता है, कस्टमाइजेबल है, प्रॉपर एक एक की आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे यूजर डिफाइन वन हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने WASD को ब्लू कलर में पेंट कर दिया, और उसके बाद नीचे स्पेस बार को हमने यहाँ पे येलो कलर में पेंट कर दिया, और ये वाली जो कीज है ऊपर की तीन, इसको हमने ग्रीन कलर में पेंट कर दिया। तो ये सारा हमने कस्टमाइजेशन करी छोटी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल उसी पैटर्न में लाइट अप हो चुका है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है, गेमिंग में डेडिकेटेड कुछ कीज आपको लाइट अप करनी है, जैसे ZX CV Alt Control जो गेम में यूज होती है, आप उन पे डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, और बाकी पूरे कीबोर्ड की लाइट आप ऑफ कर सकते हो, या पूरे कीबोर्ड को डिफरेंट हिसाब से कुछ भी आपको अपना नाम लिखना हो उसके ऊपर कुछ भी, वो सब आप आराम से इसमें कर सकते हो। तो ये थे इसके RGB इफेक्ट्स और मैक्रो वगैरह और जो ऊपर की RGB वाला सीन है। तो ओवरऑल जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है इस कीबोर्ड के अंदर। अब बात करते हैं अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा भाई बहुत सही रहा, क्योंकि छोटा सा कीबोर्ड है, टेबल पे ज्यादा जगह भी नहीं लेता, और मैंने इसको लगा के बढ़िया गेमिंग करके देखी। तो एर्गोनॉमिक्स भी अच्छा है, कंफर्ट के मामले में बढ़िया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को पर्सनली यूज करने में कि हाँ हाथ में दर्द हो रहा है या कुछ है। और गेमिंग एक्सपीरियंस भाई ब्लू मैकेनिकल स्विचेस है, तो बढ़िया होने वाला है, खटर खटर वाला एकदम बढ़िया। तो यही था इसका पूरा रिव्यू, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पर की RGB और बढ़िया लाइट इफेक्ट वाला छोटा कीबोर्ड चाहिए, टाइप सी डिटैचेबल यूजर इंटरफेस वाला, तो आप आराम से इसके लिए जा सकते हो। और कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, वो आप कमेंट करके बता देना, लाइक मार देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों के साथ जिनको कीबोर्ड लेना हो। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर, बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी। बाय।